ये देख सकते हो आग लगाया है, बहुत ही ठंड लग रहा है इधर हमारा। ये गांव का नज़ारा, ये देखिए हमारा गांव, ये है। कौन सा गांव है ये, ऐसा माहौल है। हम दोनों अभी बहुत मजा ले रहा है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम भी मस्त है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को हमारा गांव का व्यूज कुछ दिखाऊंगी। तो देखिए ये हम अभी आ चुके हैं, ये हमारा चौक है, ये रंगमटी चौक, और उधर देख सकते हो और एक हमारा गेट है। तो पास से मैं, ये है हमारा गाँव का स्कूल, ये देखिए हमारा शिशु मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर, और ये है हमारा रोड, ये कैनाल है। इधर से आ रहा है ये बाल्डिया डैम, ये बारीकोदा से सीधा आओगे तो ये रास्ता से आना पड़ता है। ऐसा है मणिमणि हम लोग अभी, ये है हमारा ब्रश, ये गांव का ब्रश देख सकते हो, ये भी दिया है, ये है गांव का ब्रश। गांव को थोड़ा ब्रश करना है। और सूर्य देवता, ये सामने देखिए हमारा सूर्य देवता निकल चुका है, अभी मॉर्निंग का टाइम है, अभी हमको थोड़ा ब्रश करना है। ये देखिए हमारा, ये हमारा गेट है, ये सेनगेसुन का गेट है। तो ये जो रास्ता जाता है ना, ये हमारा लुलू का रास्ता, और ये इधर से आएगा तो ये हमारा बारीपोदा, ये बारीपोदा से जितना भी गाड़ी आ रहा है ये बारीपोदा से, और इधर जाओगे तो ये सीधा लुलू, ये एक गेट मिल जाएगा आप लोगों को। यह है स्कूल रंगामटिया सरकारी उच्च विद्यालय, ये 5T के स्कूल है, और इधर आगे आप लोगों को मिल जाएगा, ये चौक है रंगामटिया चौक। यह है मार्केट कॉम्प्लेक्स, इधर से जीपी और मंदिर वगैरह है उधर। ये देख सकते हो हमारा पीछे साइड में हमारा चौक था, ये वाला पीछे साइड। तो अभी हम जा रहे हैं आगे साइड, और भी दिखाएंगे हमारा चौक का नज़ारा। तो कंटिन्यू रहिए हमारा ब्लॉग में। और ये देखिए इधर, ये जो सीधा जाएगा ना और लुलू रास्ता है, ये है हमारा मुंडा लोगों का अलगुरु, मतलब ये मुंडारी लैंग्वेज का स्क्रिप्ट राइटर है, इन्वेंटर ऑफ मुंडारी स्क्रिप्ट, ऑल गुरु पंडित रोहिदास सिंह नाग। ये चौक है, और ये लेफ्ट साइड में जाओगे तो ये लुलुंग वे टू बरही पानी सिमलीपाल, और ये राइट साइड में जाओगे तो ये है बाल्डिया डैम। और इधर सीधे से आओगे तो ये, पीछे साइड से आओगे तो ये है बारीपोदा। ये देखिए स्टेचू, तो ऐसा बनाया गया है, ये सेल्फी पॉइंट है। आ जाइए दोस्तों, आओ यार, ये देखिए दोस्तों कैसा महल है, थोड़ा पास से आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लिखा हुआ है उड़िया में, लिखा हुआ है देखिए, उड़िया और हमारा लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ओके, ये है हमारा मुंडारी स्क्रिप्ट, और ये उड़िया में लिखा हुआ है, अलगुरु पंडित रोहिदास सिंह नाग, उसका जो बर्थ हुआ था 1934 में हुआ था उसका जन्म, और उसका जो एक्सपायर हुआ था 30/12/2012 को हुआ था। ओके गाइज, तो आप लोग ने समझ लिया है ये स्टेचू के बारे में, ये है हमारा मुंडा लोगों का अलगुरु, इस गांव का नाम है सालगुनी, ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा स्टेट, और ब्लॉक है सामाकुना ब्लॉक में आता है। तो अभी आ सकते हो, ये देखिए इसका नज़ारा, ये हिस्सा बनाया गया इधर अंदर में। ओके गाइज, ये रंगामटी चौक के पास आप लोगों को मिल जाएगा।
दोस्तों, ये जगह है, इस खेती हुआ था। देखिए धान तो काट चुका है अभी, और थोड़े दिन के बाद यहाँ पे बहुत सारा भीड़ होगा। देखिए दोस्तों, ये जगह है, ऐसा जगह बहुत ही फेमस जगह है ये देखिए, ये पेड़ को देखिए, और ये जगह, ये फेब्रुअरी पाँच अगर किसी को याद होगा तो मुंडा लोगों को याद होगा यार, ये बारीपदा से लगभग 8 किलोमीटर ये जगह आपको मिल जाएगा, रंगमाटी चक, और गांव है सालवनी। यहाँ पे बहुत बड़ा मेला होता है ऑनली फॉर मुंडा लोगों ने, इस जगह में नाचते गाते और हमारे जितने भी कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पे होता है। फेब्रुअरी 5 और उसका नाम है सेन के सुनकाजी दुरांग, मयूरभंज का सबसे बड़ा मुंडरी कल्चरल प्रोग्राम। फेब्रुअरी 5, 6, 7, 8 चार दिन कंटिन्यू यहाँ पे मेला होता है मुंडारी लोगों के लिए। ये झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, पूरा धूम मचाते हैं। ये बिल में ये देखिए, अभी तो खेती हुआ है, धान काट हो चुका है, और देखिए इसके बाद यहाँ पे कितना नाच गाना होता है, ये बहुत भीड़ होता है दोस्तों। तो मैं अभी आ चुका हूँ मेरे नहाने का जगह, तो आप भी देख लीजिए हम गांव में कैसे नहाते हैं। ओके दोस्तों, ये हमारा सेनगेसुन के पास है एक झरना है, वहाँ पे हम लोग सुबह नहाते, ये पानी है ना सुबह सुबह बहुत गर्म लगता है। ओके दोस्तों, तो चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये है हमारा बाथरूम, दिखाता हूँ। ओके, ये देखिए दोस्तों, ये है झरना, गांव का जितना भी लोग हैं यहाँ पे नहाते हैं। ओके, बहुत अच्छा लगता है, चलो फिर नहाते हैं। ये हमारा बाथरूम के पास ऐसा नज़ारा दिखने को मिल जाएगा, ये देखिए खेती हो रहा है, ये जो धान अभी दिया हुआ है ये रबी फसल, हाँ रबी फसल के लिए ये प्रस्तुति हो रहा है। ये हमारा बाथरूम के पास, ये देखिए ये पेड़ है, हाँ पता नहीं हमारा मुंडरी लैंग्वेज में बोलते हैं लोहा, तो आप लोगों को किसी को पता होगा तो हिंदी में बताइएगा। लोहा पेड़, लोहा फल है ना, छोटा छोटा फल फल रहता है, खाते हैं हम लोग, छोटा छोटा फल है, बहुत अच्छा लगता है, ये पेट ठंडा रखता है, इसको खाने से पेट ठंडा रहता है। ओके, तो अभी मैं नहा लेता हूँ इधर। ओके दोस्तों, तो रेडी है, मैं अभी निकल देता हूँ। ओके, ये बहुत ठंड लग रहा है दोस्तों, ये देखिए मेरा बॉडी तो बहुत अभी जा रहा हूँ, तो ये देखिए पत्थर, ये पत्थर में हम ऐसे घिसते हैं, इसका जितना भी ये है ना वो निकल जाएगा, ऐसे घसना पड़ता है। ओके, ये देखिए बड़ा बड़ा पत्थर है, नेचुरल चीज़, सब नेचुरल है, कोई भी आर्टिफिशियल इधर नहीं मिलता है गांव में, सब नेचुरल। ओके, तो अभी मैं अंदर जा रहा हूँ दोस्तों, यार बस लग रहा है, तो ये पानी देखिए मेरे बॉडी से कितना धुआं निकल रहा है, ये ठंड नहीं लग रहा है दोस्तों, इधर बहुत मस्त लग रहा है, हाँ धो के फ्रेश हो गया हूँ, तो मस्त लग रहा है दोस्तों। ओके, ऐसा गांव में रहोगे तो ये खुला मैदान में नहाना पड़ता है, ये देखिए हमारा दोस्त लोग नहा रहे हैं अभी, बहुत ही फ्रेश पानी है ये। तो गाइज, आप लोग ने देख लिया है हमारा गांव का छोटी सी वीडियो, मस्त लगा ना दोस्तों, अगर ये वीडियो सही में अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो दोस्त लोगों को, और हमारा चैनल में नए हो तो दोस्तों क्या करना है पता है, जाके घंटी को दबा देना है। ओके, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जोहार, नमस्कार।